हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे योर एम इन लाइफ लेकर आया हूं। अगर आप क्लास 10 या क्लास 12 के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी बोर्ड या किसी भी स्टेट के स्टूडेंट क्यों ना हो, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आप जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम में क्लास 10 और क्लास 12 के इंग्लिश में योर एम इन लाइफ ऐसे के रूप में पूछा जाता है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इसको ईजी वे में लिख देंगे तो आपको अधिक से अधिक मार्क्स मिल जाएगा। मैंने बहुत ही ईजी वे और बहुत ही सिंपल वे में सिंपल वर्ड का यूज करते हुए जो है योर एम इन लाइफ के बारे में लिखा है। ओके, तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले समझते हैं कि एम होता क्या है। एम मींस लक्ष्य होता है, जिसको पर्पस कह सकते हैं, टारगेट कह सकते हैं, गोल कह सकते हैं, एम्बिशन कह सकते हैं। ओके, तो डेस्टिनेशन, हर आदमी को जो है डेस्टिनेशन पता होना चाहिए, करना क्या है, व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू, वे टू गो, कहां जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ओके, अगर आप डिसाइडेड है, इफ यू नो योर डेस्टिनेशन वेयर टू गो, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपका लक्ष्य क्या है, आप बनना क्या चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट टू बी इन योर फ्यूचर, आप बनना क्या चाहते हैं, फ्यूचर में करना क्या चाहते हैं, तो इसको एम कहा जाता है, इसको एम्बिशन कहा जाता है। ओके, तो एवरी वन, चलिए हम लोग जो है पॉइंट वाइज, सेंटेंस वाइज जो हम लोग पहले समझते हैं। एवरी वन हैज डिफरेंट एम्स इन लाइफ, हर इंसान को, हर किसी को डिफरेंट एम होता है, अलग अलग तरह तरह के अलग अलग जो है एम्स होता है, यानी कह सकते हैं एम्बिशन होता है, टारगेट होता है, लक्ष्य होता है लाइफ में। बिकॉज एम प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि एम जो होता है, लक्ष्य जो होता है, जिंदगी में एक महत्व पूर्ण जो है रोल अदा करता है। विदाउट एम लाइफ इज जस्ट लाइक ए हेल, जो है बिना एम के जिंदगी किस तरह का है, हेल की तरह है, नर्क की तरह है, जहन्नम की तरह है। लाइफ इज नथिंग विदाउट एम्बिशन, लाइफ कुछ भी नहीं है, लाइफ इज वर्थलेस विदाउट एम्बिशन, लाइफ बेकार है ओके एम्बिशन के बिना। तो एम्बिशन होना चाहिए। एम्बिशन मींस होता है, एम मींस होता है कि इंटेंस्ट टू डू समथिंग, किसी चीज को करने की इरादा होना, टू गेट समथिंग, टू अचीव समथिंग, टू एक्वायर समथिंग, यानी किसी चीज को प्राप्त करना, किसी चीज को पाना, किसी चीज को ग्रहण करना, को एम्बिशन कहा जाता है। तो अगर जब तक हम में इंटेंशन नहीं रहेगा, हमारा इंटेंट नहीं रहेगा, अगर हम अगर इरादा नहीं रखेंगे किसी चीज को पाने की, तो हम कैसे पा सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है योर एम इन लाइफ, तो इसको जो है आप इस तरह से लिखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। ओके, विदाउट एम वन कैन नेवर अचीव एनी थिंग इन हिज लाइफ, बिना एम्बिशन के, बिना एम के, बिना लक्ष्य के कोई जो है नहीं प्राप्त कर सकता है, कभी कुछ प्राप्त नहीं कर सकता है। एनीथिंग अचीवमेंट होता है प्राप्त करना इन हिज लाइफ, अपने जीवन में। और एम्बिशन मेक्स अवर लाइफ ब्यूटीफुल, हमारा एम्बिशन ही है जो हमारी जिंदगी को बहुत ही खूबसूरत बनाता है, डिलाइटफुल बनाता है ओके एंड पीसफुल और शांतिपूर्ण बनाता है, यानी हमारी लाइफ को खूबसूरत बनाने के पीछे हमारा एम्बिशन होता है। ओके, हमारा डेस्टिनेशन, हमको कहां जाना, वेयर टू गो, ओके, वी मस्ट डिसाइड आवर डेस्टिनेशन, हमें जो है डिसाइड करना चाहिए हमारा डेस्टिनेशन, कि हमें जाना कहां है, करना क्या है, ओके, व्हाट टू डू इन योर लाइफ। ओके, तो ये डिसाइड अगर आप कर लेते हैं तो आपके लिए क्या हो जाएगा, आपकी जिंदगी ब्यूटीफुल हो जाएगी और डिलाइटफुल, पीसफुल हो जाएगा। आगे हम लोग लिखते हैं, ओके, देखते हैं। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, मैं क्लास 12 का स्टूडेंट हूं। अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हो, क्लास 10 का, अगर आपके 8 के स्टूडेंट हैं, 7 के स्टूडेंट, तो आप 7 लिख सकते हैं। आई वांट टू बी ए टीचर, मैं एक टीचर बनना चाहता हूं इन माई लाइफ, अपने जीवन में आने वाले समय में मैं एक टीचर बनना चाहता हूं। आई थिंक एक्वायरिंग, मुझे लगता है, आई थिंक मैं सोचता हूं, मुझे लगता है एक्वायरिंग नॉलेज, एक्वायरिंग होता अधिग्रहण करना, प्राप्त करना, गेट करना, रिसीव करना, एक्वायरिंग नॉलेज एंड टीचिंग पीपल इज ए ग्रेट जॉब। मुझे लगता है कि एक्वायरिंग नॉलेज जो होता है, यानी ज्ञान प्राप्त करना ओके एंड टीचिंग पीपल, और लोगों को सिखाना, लोगों को बताना, लोगों को पढ़ाना, बहुत ही इज ए ग्रेट जॉब, एक महान कार्य है। ओके, बाय बीइंग ए टीचर, एक शिक्षक बनकर, आई विल सर्व माई कंट्री, मैं अपने देश की सेवा करूंगा, एस्पेशली आई विल हेल्प द पुअर स्टूडेंट्स ऑफ माई सोसाइटी, विशेषकर मैं उन स्टूडेंट का जो है, गरीब स्टूडेंट की है की सेवा करूंगा जो मेरे सोसाइटी के हैं, उस सोसाइटी के, मेरे सोसाइटी के गरीब जो है स्टूडेंट्स की जो है विद्यार्थियों की क्या करूंगा, हेल्प करूंगा,
मदद करूंगा। अबाउट 23% पीपल ऑफ इंडिया, आज भी लगभग जो है 23% यानी 23% लोग इंडिया के आर स्टिल इलिटरेट, अभी भी इलिटरेट हैं, निरक्षर हैं, साक्षर नहीं हैं। ओके, थ्रू एजुकेशन, एजुकेशन के जरिए, एजुकेशन के माध्यम से ओके आई विल रिमूव द इलिटरेसी, मैं रिमूव करूंगा, मैं हटाऊंगा इलिटरेसी को, हटाऊंगा इलिटरेसी में सोता निरक्षरता को, हटाऊंगा इग्नोरेंस अज्ञानता को, हटाऊंगा एंड द डार्कनेस ऑफ माय सोसाइटी और अपने समाज के अंधेरापन को जो है हटाऊंगा। ओके, आई विल टीच द पीपल अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, मैं लोगों को इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन के बारे में बताऊंगा, ओके सिखाऊंगा, समझाऊंगा। आई विल मेक देम अंडरस्टैंड, मैं उन लोगों को समझाऊंगा, लोगों को समझाऊंगा, ओके अंडरस्टैंड दैट लाइफ इज एजुकेशन, के लाइफ जो है, लाइफ जो है, जिंदगी जो है एजुकेशन है, शिक्षा है, एंड एजुकेशन इज लाइफ, और शिक्षा ही जीवन है, जीवन जीवन ही शिक्षा है, शिक्षा ही जीवन है, मैं लोगों को बताऊंगा। ओके, दस आई कैन से, इस प्रकार मैं कह सकता हूं दैट एजुकेशन टीचेज अस द वे ऑफ लिविंग। ओके, कि एजुकेशन ही है, कि शिक्षा ही है जो हमें वे ऑफ लिविंग यानी जीने का तरीका बताता है। सो आई थिंक, इसलिए मैं सोचता हूं बींग ए टीचर, ट्रू टीचर, एक सच्चा शिक्षक बनकर इज अ मैटर, बनना इज अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राउड एंड प्लेजर। इसलिए मुझे लगता है कि एक सच्चा शिक्षक बनना एक मैटर है, एक बात है, किसकी, एक ग्रेट प्राउड यानी जो है बहुत गर्व की बात है और बहुत खुशी की बात है। ओके, एजुकेशन लाइट्स अवर लाइफ लाइव्स, क्योंकि आप जानते हैं, यू नो माय डियर, कि एजुकेशन ही एक ऐसा कैंडल है, ओके, जो हमारी जिंदगी को क्या करता है, लाइट करता है। तो टीचर्स आर द ट्रू कह सकते हैं, ट्रू कैंडल्स, ओके, ऑफ आवर लाइफ, आवर सोसाइटी, एक जस्ट लाइक कैंडल्स ऑफ आवर सोसाइटी, टीचर्स जो होते हैं सोसाइटी के एक कैंडल्स की तरह होते हैं। टीचर्स कैन लाइट योर लाइफ, आपकी जिंदगी को क्या कर सकते हैं, लाइट कर सकते हैं, प्रकाशित कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इजी वे में लिख सकते हैं, अगर आप इफ़ यू वांट टू बी अ डॉक्टर, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो डॉक्टर के बारे में आप लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि हम लोग जो है योर एम इन लाइफ एजुकेशन से रिलेटेड की बात कर रहे हैं, तो मैंने जो है टीचर ही बनना जो है चुना है, चूज किया है। आप इजी वे में इसको लिख सकते हैं, आपको मार्क्स मतलब है। ओके, तो आई होप कि आप समझ चुके हैं। एक बार स्क्रीन शॉट ले लेंगे, मैंने इसके पीछे जो पिछले वीडियो में COVID-19 और माई हॉबी पर भी मैंने इस वीडियो अपलोड कर चुका हूं, मैं इसका इसके बारे में ऐसे के रूप में अपलोड कर चुका हूं, मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लीज़ दोस्तों को शेयर कीजिएगा, अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।